राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। गाइस, आज मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब क्या हुआ, बहुत एसिडिटी हो गया है हमको। तो दवा हुआ सुबह से लिए थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है ठीक से दवा। तो अभी हम चल रहे हैं घर का नुस्खा आजमाने के लिए, जो मेरी नानी बनाती थी, बोलती थी करने के लिए। मेरी नानी तो है नहीं, लेकिन उनका कुछ कुछ नुस्खा बताया हुआ अभी मेरे पास है, तो हम चल रहे हैं उसको आजमाने के लिए। आप लोग भी आजमाइएगा जरूर, इससे बहुत फायदा होता है एसिडिटी के लिए। अगर दवा नहीं है घर में तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी इससे राहत भी मिलता है। हम एक बार दवा, हमको काम नहीं किया, सच में आपसे बता रहे हैं। तो हम एक बार पिए थे तो हमको काम किया था, तो अभी फिर से चल रहे हैं बना के पीने के लिए। वो क्या है जानते हैं, एक बाउल में हम देखिए यहाँ पे ले ले लिए हैं, जला लिए हैं गैस को, और यहाँ पे पानी रख रहे हैं। पानी, थोड़ा सा पानी डाले हैं इसमें, देखिए। पानी डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा नमक देंगे, अगर काला नमक है आपके पास तो काला नमक दीजिएगा, और नहीं तो फिर सादा नमक दे सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा नमक दिए, थोड़ा सा इसमें नमक दिए हैं, और देखिए नमक के साथ में ना ये हींग है। हींग बहुत डाइजेशन में मदद करता है, इसीलिए देखिए एक पिंच हींग आप दीजिएगा, इतना थोड़ा सा हींग दिए हैं। और देखिए हींग डाल रहे हैं इसमें, थोड़ा सा हींग और पानी गुनगुना, इसको पीजिएगा तो आपको बहुत राहत मिलेगा। और देखिए उतना ही गुनगुना कीजिएगा जितना आप पी सकते हैं, और इसका टेस्ट भी मानिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा बहुत लगता है। लेकिन जिसको किसी किसी को गाइस हींग से एलर्जी भी होता है, तो आप लोग प्लीज़ मत पीजिएगा जिसको एलर्जी हो, और वैसे तो सब पी सकते हैं इसको, हींग को। देखिए पानी गुनगुना हो गया है मेरा, और देखिए हम इसको, देखिए ग्लास में निकाल रहे हैं इसको, तो ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो हम इसको रख रहे हैं ऐसे, मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पियेंगे, क्योंकि हमको बहुत सुबह से प्रॉब्लम हो रहा है। दवा लिए थे, डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन दवा कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम हींग और पानी ले रहे हैं। आप लोग लीजिएगा, बहुत आराम करेगा पेट के लिए और गैस के लिए। और जानते हैं, कोई हमको बोला था जैसे गुनगुना पानी हो, और इसका एक और तरीका था, है कोई बोला है हमको कि गुनगुना पानी और मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो आता है खाने वाला, बहुत लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, बहुत लोग मीठा सोडा बोलते हैं। तो आप लोग जैसे पानी गुनगुना कर लीजिएगा, और बेकिंग सोडा ऐसे ही कच्चा, मतलब पानी में मत मिक्स कीजिएगा, ऐसे ही थोड़ा सा एक पिंच लेकर के और वही गुनगुना पानी पीजिएगा, तो उससे भी एसिडिटी ठीक होता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों से, उसको हम कभी आजमाए नहीं। एक तो हमको बेकिंग सोडा का स्वाद वैसे भी नहीं अच्छा लगता है गाइस, लेकिन कोई बोला है उससे ठीक होता है। हम हींग पानी पीते हैं, इससे हमको तुरंत आराम मिल जाता है। इसीलिए सुबह से सर में भी गैस चढ़ गया था, पूरे शरीर में बहुत तकलीफ हुआ था हमको। उसके बाद हम उठे, दवा दो बार खाए, आराम नहीं हुआ, तो हींग पानी एक बार उठ करके पिए, फिर से हींग पानी ले रहे हैं। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।